वक्त आपको सबसे बड़ी खबर बता दें कि नोएडा के सेक्टर 63 की चोटपुर कॉलोनी में आप पीछे देख सकिएगा भीषण आग लग गई है। यहाँ पर झुग्गियों में भीषण आग लगी है। इसके साथ ही अभी आपको बता दें कि जैसा कि बताया जा रहा है कि काफ़ी बच्चे और कुछ महिलाएं भी यहाँ पर अभी फंसी हुई हैं। बीते 3 घंटों से आग लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो अभी पहुँची हैं। ऐसे में यहाँ पर काफ़ी लोग मेरे साथ मौजूद हैं और पीछे बता दूँ, पीछे का दृश्य देखिए, भीषण आग लगी हुई है, वहाँ पर भीषण आग लगी हुई है। ऐसे में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ यहाँ कितने बजे लगी थी और किस वजह से आग लगी है। ये 12 बजे आग लगी है। क्या वजह, क्या वजह क्या है इस आग लगने की? वजह तो ये झुग्गी में थे वो लोग को पता है। देखिए दूर दूर रहिए, दूर दूर रहिए, दूर दूर रहिए, झुग्गी में आग, दूर दूर रहिए, दूर दूर रहिए, दूर दूर रहिए, ठीक है। ये बताइएगा झुग्गी में आग लगी थी, सिलेंडर खाना बना रहे थे इस वजह से? सर ये जैसे लंच की टाइम हुआ, ड्यूटी अपने करके आए, खाना पीना बनाए हैं आदमी, हाँ 1 बजे करीब में वहाँ खाना पीना, सुनिए सर एक मिनट में, तो खाना बनाने में अब कोई गड़बड़ हो गई है, खाना चढ़ा के कहीं चले गए हम, तो उसी वजह से आग लग गई है। उसके बाद से 1 बजे से अभी क्या बताया जा रहा, कोई अंदर फंसा हुए हैं? कितने लोग? बच्चे लोग हैं, सुनिए एक मिनट, उसमें छोटे छोटे 4-5 बच्चे लापता है, 4-5 बच्चे भी लापता है, मिले नहीं है, कोई प्रशासन की तरफ से पुलिस कोई गया उनको ढूंढने के लिए? कुछ नहीं है सर, मैंने 3 बार कॉल करी है फायर ब्रिगेडियर्स को, 1 घंटे बाद भी किया, मैंने, मेरा नाम धीरज है, मैंने 3 बार कॉल करी है फायर ब्रिगेडियर को, 1 घंटे बाद गाड़ी आई है, 1 घंटे बाद पूरे 1 घंटे बाद गाड़ी आई है। पीछे पीछे रहिए, देखिए पीछे पीछे रहिए आप, ऐसे भी नहीं, जी जी बताइए। लापरवाही किया, फायरिंग वाला जल्दी आ जाता ना तो आग ने झुकी, आग नहीं लग पाता जल्दी से, कंट्रोल पूरी आग पे काबू पा सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेट के कारण काबू नहीं पाया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेट आई, इस वजह से काबू नहीं पाया जा सका। प्रशासन आते हुए प्रशासन देख रहे हैं, प्रशासन आते हुए प्रशासन देख रहे हो। अच्छा ये बताइए, ये बताइए यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते थे उनमें से कोई बाहर आए हैं किसी लोगों ने? अभी इसमें ड्यूटी करने वाले आदमी है सर, एक मिनट, जो भी ड्यूटी करने वाले आदमी है, अभी हालत में तो कोई देखने नहीं किया है कि घर में कितने हैं कितने नहीं है, समाज में कोई नहीं देखे हैं। जी 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 जी, देखिए देखिए जो यहाँ पर जो महिला अंदर से आई है उनसे बात करते हैं। आप अंदर रहती थी? नहीं बताइए बताइए, आप अंदर से आई है? आप भी बोल सकते, नहीं जगह दीजिए, जगह उनको बोलने के लिए जगह। इसमें बहुत आ गया, बच्चा खत्म हो गया भैया, 2-3 घंटे से आग लगल है, मीडिया वाला भी फोन कर रहे नहीं, पुलिस वाला फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अच्छा अभी अंदर से सभी लोग बाहर आ चुके हैं सुरक्षित या फिर अभी लोग फंसे? अभी बहुत बच्चे हैं, उसमें लेडीज भी है, बच्चे भी है, कोई का 3 बच्चा है, कोई का 4 बच्चा है, कोई का 2 बच्चा है, क्या करेगा मीडिया? अब आग में काबू नहीं पाया जा रहा है, बच्चे उसमें जल के राख हो गए हैं, 3 अभी यहाँ सामान भी है, अभी अभी बच्चे और महिला अंदर फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं बहुत, अभी है क्या बात, बच्चा आपका अंदर है? हाँ भैया बच्चा एक अंदर है, क्या कैसे की करेंगे मैया मैया नहीं मिल रहा। चलिए 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 हम वहाँ बात करते हैं ठीक है, आइए वहाँ बात करते हैं, ठीक है इधर आइए। ऐसे में आपको जैसा कि बता दें कि यहाँ पर जो आग लग गई है उसके बाद बड़े ही करुणा भाव के साथ यहाँ पर एक महिला हमारे सामने आई, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उनका जो बच्चा है वो अंदर फंसा हुआ है और अभी बहुत से ऐसे बच्चे और महिलाएं जो हैं वो अंदर इस आग के बीच फंसे हुए हैं। ऐसे में प्रशासन जो है उसकी भी लापरवाही कर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 12 बजे की लगी हुई आग के बाद अब इतने घंटों के बाद जाकर यहाँ पर प्रशासन पहुँचा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँची है और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी पहुँची है अब जाकर अगर वो पहले आ जाती, लोग कह रहे हैं कि अगर वो पहले आ जाती तो इस पर आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन ऐसे में जो लापरवाहों ने जो कुछ नहीं, देखिए आप लोग पीछे पीछे रहिए, ऐसे 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 मत करिए, भीड़ भड़क्का मत कीजिए, नहीं नहीं भीड़ भड़क्का मत करिए, पीछे रहिए पीछे रहिए, रुक जाइए पीछे रहिए पीछे रहिए। ऐसे में यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वो पहले आ जाती तो स्थिति पर वक्त रहते काबू पाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर देरी से पहुँचा गया। ऐसे में काफ़ी बच्चे जो हैं वो भी अंदर फंस चुके हैं, काफ़ी महिलाएँ जो हैं वो भी अंदर फंसी हुई हैं ऐसा बताया जा रहा है। इसके साथ ही जो कुछ भी यहाँ पर है, भीषण आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो बताया गया कि काफ़ी देर से पहुँची, इनसे यहाँ पर अभी फिलहाल किस तरीके से स्थिति पर काबू पाया जा रहा है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए इनकी तरफ से क्या क्या जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ लोग मेरे साथ अभी मिलते हैं फायर ब्रिगेड की तरफ से, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए क्या जो योगदान में किए जा रहे हैं, यहाँ पर अभी क्या स्थिति है भैया? यहाँ पर स्थिति देख रहे हो, रास्ता नहीं है, नहीं तो सब कुछ बढ़िया है।
सर यहाँ पर वो लोग बता रहे हैं कि 12 बजे से आग लगी थी, आपको काफी देर से फोन जाने, हमें जब खबर आई हम तुरंत आए यहाँ पर, लेकिन रास्ता नहीं है वहाँ आग तक पहुँचने का। ठीक है सर, ये बताइए अभी काफी बच्चे और महिलाएं भी फंसी हुई हैं ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे में क्या करेगा? रुकिए, एफएस साहब हैं वहाँ पर, वो इस विषय में बताएंगे, रास्ता यहाँ के लिए करवाना चाह रहे हैं उसे करवाएंगे। अभी आपको क्या लगता है कितना समय लग जाएगा सर यहाँ पर स्थिति को काबू करने में? बस बुझाई रहे, आग के ऊपर बात है भैया, बुझाई रहे, मेहनत तो हमारा करना फर्ज है, हम मेहनत कर सकते हैं। एक नैतिक बात और करनी थी सर, अंदर कुछ लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं, उन्हें भी निकालने की कोशिश करें की जाए। जी बताइए सर जी, उस साइड में ज्यादा लग रखी है, वहाँ पे आप कंट्रोल करवाइए, सबसे ज्यादा वहाँ लग रखी है। ये तो आग तो ये कंट्रोल करवाएंगे सर, आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ पाइप फैला रखे वहाँ तक पहुँचे हुए, पाइप फैलाए जा रहे हैं, कोशिश यार ये रास्ता यहाँ पर ऐसी वो आएगी, इन्हें बुलडोजर वगैरह ये सब तोड़ के रास्ता बनाएगी, तुरंत आग बुझ जाएगी। सर बुलडोजर आएगा रास्ता बनाएंगे, तब तक आपको नहीं लगता काफी लोग अंदर फंसे हुए? मेहनत कर रहे हैं, जब तक हम मेहनत कर रहे हैं अंदर से लोगों को निकालने के लिए कुछ किया? बिल्कुल आग लगे हुए हैं आदमी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से बहुत काफी में बढ़ आग तो बहुत भीषण है वो तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि रास्ता जो है वो डायरेक्ट रास्ता नहीं मिल पा रहा है ब्रिगेड वालों को, इसकी वजह से अभी बुलडोजर को भी बुलाने की बात की जा रही है, जिसके आने के बाद यहाँ पर रास्ता जो है बनाया जाएगा। ये जो दीवारें आपको दिख रही है, बाउंड्रीज जो दिख रही है, इनको तोड़ा जाएगा, इसके बाद यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो अंदर जा सकेंगी और उसके बाद यहाँ पर आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही अभी बता दें कि जैसा कि लोगों ने आरोप लगाया कि 12 बजे यहाँ फ़ोन कर दिया गया था, आग लग चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो थी वो देरी से पहुँची, और अभी हमने जब फायर ब्रिगेड के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि दरअसल यहाँ पर अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है और पाइप इतने लंबे नहीं है कि वो फैल पाएँ वहाँ तक, आखिरी छोर तक जा पाएँ, इसके लिए बुलडोज़र को बुलाया गया है, और बुलडोज़र को बुलाने के बाद यहाँ पर ये जो दीवारें हैं, ये जो बाउंड्रीज़ हैं, इनको तोड़ा जाएगा और बाउंड्रीज़ को तोड़ने के बाद यहाँ पर बात की जाएगी। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है और सबसे अहम ये होता है कि 3 घंटे से यहाँ झुग्गी झोपड़ी में जो लोग फंसे हुए हैं, काफ़ी महिलाएं, काफ़ी बच्चे यहाँ पर फंसे हुए हैं, और फिलहाल फायर ब्रिगेड मौके पर है, लेकिन देरी कहीं ना कहीं बड़ी घटनाओं का कारण बनती है। ऐसे में इस तरह की लापरवाही किस ओर इशारा करती है ये भी देखना अहम होगा, लेकिन जो बच्चे और महिलाएं अंदर फंसी हुई हैं, हम ये आशा करते हैं कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा और फायर ब्रिगेड अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ करेगा। बाकी कैमरामैन सरताज के साथ नोएडा सेक्टर 63 से मैं कावेन चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए।